लोग आए थे सदर बाज़ार और यहाँ पे ये हालत है जाम की, इसलिए हमने आर के आश्रम मार्ग पे एक्चुअली हमने स्कूटी पार्क करी है क्योंकि यहाँ पैदल की भी जगह नहीं है और गर्मी बहुत ज़्यादा है। हम लोग थोड़ा सा कुछ ऐसा सामान लेने आए हैं, वीडियो बनाने भी आए हैं और देखते हैं अभी कुछ लेंगे या नहीं। सो फाइनली हम लोग पहुँच गए सदर। यहाँ तो इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं लग रही है, अभी बाहर ही ज़्यादा भीड़ थी और खाली लग रहा है, ये अच्छी बात है। देखते हैं कुछ मिलता है या नहीं। चलना है हाँ, आते हुए यहाँ से ना आके दूसरी जगह। हाँ हाँ यहीं से आएंगे। कोई नहीं, म्यूजिक मत डालना, लोग शोर मचाएंगे, यहाँ पे बहुत ही भीड़ है, शोर मचाएंगे। सो अभी हम यहाँ पे ठाकुर जी की पोशाक ढूंढने आए हैं, लेने आए हैं, देखते हैं यहाँ पे मिलता है कि नहीं। बहुत बहुत भीड़ है। लगता है ईशु को एज यूजुअल समझ में नहीं आया और वो आगे बढ़ गई। समझ में नहीं आया कुछ, इतनी भीड़ में वैसे भी समझ में नहीं आता कुछ। झूला सिंगल पीस खुला नहीं मिलता। लास्ट टाइम तो इसके अंदर घुसे थे, याद है वो लेने के लिए। तो अभी हम आए हैं एक अनजाने मार्केट में जिसका कोई नाम नहीं है और यहाँ पे भी चलती फिरती दुकान है। ईशु मुझे दिल्ली की पतली पतली गलियों में घुमा रही है। दिल्ली की ये पतली पतली गलियां जहाँ पे बहुत सारी भीड़ है और होलसेल की शॉप्स है। अपनी शक्ल नहीं दिखाना, मार्केट की शक्ल ही दिखानी है। ये अम्ब्रेला मार्केट लग रही है, नहीं नहीं दिवाली शॉपिंग की मार्केट। झूला तो इधर भी है, सिंगल दे सकते हैं शायद। चांदनी चौक में घूमने के लिए तो हम लोग सदर के मार्केट में घूम घूम के थक चुके हैं और बहुत भीड़ है यहाँ पे एज यूजुअल। और ईशु ने आज पहली बार ज़्यादा शॉपिंग नहीं करी, क्यों ईशु? क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा।
सो अभी हमने बंगला साहिब में दर्शन कर लिए हैं। हम लोग इधर गुरुद्वारे आए थे, आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा। अंदर फ़ोन अलाउड नहीं था इसलिए हमने कोई भी वीडियोस फ़ोटोज़ क्लिक नहीं किए। अब दर्शन करके लेट्स सी आगे कहाँ जाएंगे, घर जाएंगे कहाँ जाएंगे पता चलेगा आपको। सो हमारी स्कूटी हो गई थी पंचर, तो अभी हम यहाँ पे पंचर ठीक करा रहे हैं। हो गई है हमारी स्कूटी रिपेयर और हमने लगवा लिया है नया टायर। और ये रहा हमारा पुराना टायर, ये रहा हमारा पुराना टायर।